हेलो दोस्तों, मैं हूँ रितेश और आज के इस वीडियो में हम प्रोफेशनल किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, भले ही आज आप एजुकेशन कर रहे हो बट आफ्टर योर एजुकेशन आप कहीं तो भी जॉब करोगे या फिर खुद की कंपनी स्टार्ट करोगे। कोई बैंक में काम करेगा, कोई पब्लिक सेक्टर में काम करेगा, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करेगा, किसी को लीडरशिप दी जाएगी, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव बोल के काम करेगा, कोई किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रहेगा, कंपनी को डायरेक्शन देगा। तो इनमें से भले ही आप किसी भी फील्ड में काम करो, सही मायने में प्रोफेशनल क्या होता है इसे जानना और वैसा बनना बहुत ज़रूरी है। और सही मायने में प्रोफेशनल किसे कहते हैं इसके बारे में सुब्रोटो बागची, जिन्होंने द प्रोफेशनल ये किताब लिखी है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। तो सुब्रोटो बागची कहते हैं कि प्रोफेशनल के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उन्होंने प्रोफेशनल को तीन स्टेप्स में डिफाइन किया है, जिनको हम कहेंगे थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल। तो इसमें से जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये है कि प्रोफेशनल इज ए पर्सन हु कैन वर्क विदाउट सुपरविजन। आज हम देखते हैं हमें सुपरविजन की बहुत आदत हो गई है। भले ही आप एक छोटे बच्चे हो, स्टूडेंट हो, वर्कर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो या रिसर्चर हो या फिर राइटर हो, मैंने मेरे काम में बेस्ट देना चाहिए बिना इसके कि कोई मुझे देख रहा है या फिर सुपरवाइज कर रहा है। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हर एक को सुपरवाइज करना पॉसिबल नहीं है। सही मायने में अगर आप समझना चाहते हो कि विदाउट सुपरविजन बेस्ट काम करना किसे कहते हैं, तो आप किसी भी हॉस्पिटल के डिलीवरी वार्ड का एग्जांपल ले सकते हो। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, वहाँ काम करने वाली जो मेड होती है वो डिलीवरी के वक्त उस बच्चे को माँ से अलग करती है, एम्बिलिकल कॉर्ड को कट करती है, बेबी को उल्टा करके उसकी पीठ थपथपाती है, उसे धुलाती है और वहाँ उस वक्त उसे देखने वाला कोई भी नहीं होता है। बेबी की माँ अनकॉन्शियस होती है, बेबी के पिता, उनको वार्ड के अंदर एंट्री नहीं होती है या कोई और पर्सन भी वहाँ नहीं होता है जो कि ये बता दे कि इस लेडी ने इसका काम पूरा कंप्लीट किया है। तो वो मेड जो काम करती है उसको हम कहते हैं कि अपने काम को बेस्ट करना बिना इसके कि कोई हमें देख रहा है। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर वो मेड ने उसका काम ठीक तरीके से नहीं किया तो क्या हो सकता है, बच्चा मर सकता है। और अगर ऐसा होता तो आज मैं भी ये वीडियो आपके लिए नहीं बना रहा होता और आप भी इसे देखने के लिए नहीं होते। और क्योंकि आप और मेरा जन्म किसी ना किसी हॉस्पिटल में हुआ है और जिस भी मेड ने हमें हमारे माँ बाप को डिलीवर किया है, हम तो उसका नाम भी नहीं जानते। ये तो सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग आपको देखने को मिलेंगे जो भले ही कोई भी छोटा काम करते हो बट वो अपने काम को अनसुपरवाइजली अच्छी तरीके से करते हैं। तो आप कोई भी काम कर रहे हो, भले ही आप टीचर हो, जनरल मैनेजर हो, अगर आप अनसुपरवाइज काम नहीं कर सकते तो आप प्रोफेशनल नहीं हो। और मैक्सिमम टाइम आपको ये देखने को मिलेगा कि लोगों को आदत सी हो गई है कि कोई अगर देख रहा है तो ही अच्छा काम करना है और देख नहीं रहा है तो अपने काम से भागना है। दूसरा जो क्वालिटी
है प्रोफेशनल का वो ये है, अ पर्सन हु कैन सर्टिफाई कंप्लीशन ऑफ हिज वर्क, मतलब जो अपने काम के कंप्लीशन को सर्टिफाई कर सकता है वो प्रोफेशनल होता है। अब आप शायद कहोगे कि अगर मैं अपने काम को अनसुपरवाइजली कर सकता हूँ तो मुझे अपने काम के कंप्लीशन को सर्टिफाई करने की क्या ज़रूरत है। तो इस सवाल के जवाब से पहले आपको ये जानना होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीशन का मतलब क्या है और कब आपका काम कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करोगे तो अलग अलग लोगों से आपको अलग अलग ओपिनियन मिलेंगे कंप्लीशन के बारे में, और एक्चुअल में कंप्लीशन क्या होता है या कोई भी काम कंप्लीट कब होता है तो इसके बारे में सिर्फ वही बता सकता है जो उस काम को कर रहा है। बहुत से लोग क्या होते हैं कि अपने काम को फिनिश करते हैं, और फिनिश का मतलब उस काम को ख़त्म करना, उसको कंप्लीट करना नहीं होता है। एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो झाड़ू लगाता है, मान लो किसी रूम को साफ करता है, तो वो झाड़ू लगाने वाला ही बता सकता है कि उसने उस सफाई के काम को पूरी तरीके से किया है या नहीं किया है। पूरी तरीके से करना, ये उसको ऑनेस्टली पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ को उठाकर वहाँ से भी कचरा निकालना वगैरह वगैरह। तो वही जो बंदा उस काम को कर रहा है उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उसका काम कंप्लीट हुआ है या नहीं, इस चीज़ को सर्टिफाई करने की। और कंप्लीशन का मतलब जो हमने काम किया है उसमें कुछ ऐड करना नहीं होता है, बल्कि जो हमने काम किया है उसमें करने के लिए अभी कुछ बाकी नहीं है, इसको सर्टिफाई करना होता है। तो ये क्वालिटी एक आप में होनी चाहिए, भले ही आप कोई भी रोल प्ले कर रहे हो, आपने आपका काम कंप्लीट किया है या नहीं किया है इसको आपको सर्टिफाई करना आना चाहिए। आप किसी मूर्तिकार का एग्जांपल ले सकते हो, जब वो कोई मूर्ति बनाता है तो वो जिसने वो मूर्ति बनाई है वही बता सकता है कि उस मूर्ति में क्या बाकी है और क्या नहीं है। किसी ने पेंटिंग बनाई है, आप पेंटर का एग्जांपल ले सकते हो, तो वो पेंटर ही बता सकता है कि उसकी पेंटिंग सही मायने में कंप्लीट हुई है या कुछ उसमें बाकी है। तो ये क्वालिटी बहुत ही ज़रूरी है, सिर्फ अनसुपरवाइज वर्किंग से नहीं चलेगा, तो आपको आपके काम को सर्टिफाई भी करना आना चाहिए। और तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक हम प्रोफेशनल का यहाँ बता रहे हैं वो ये है, अ पर्सन हु हैज़ इंटीग्रिटी, यू शुड हैव अ इंटीग्रिटी। अगर आप विदाउट सुपरविजन काम करते हो और आप अपने काम के कंप्लीशन को सर्टिफाई भी कर सकते हो, और अगर आप में इंटीग्रिटी नहीं है तो चाहे आप कितना भी सक्सेस हासिल कर लो आप नीचे गिरोगे। जैसे मान लो कि एक बोर्ड मीटिंग है और उस बोर्ड मीटिंग में आप जा रहे हैं, बोर्ड मीटिंग में कुछ बातें डिस्कस हो रही है और बोर्ड मीटिंग में ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी डिस्कस हुआ है ये आपको इस बोर्ड मीटिंग हॉल के बाहर किसी से भी शेयर नहीं करना है, उस चीज़ को आपको यहीं पर छोड़कर जाना है। तो एक सीधा सा कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल वहाँ पर फॉलो करना है सभी बोर्ड मेंबर को। और होता क्या है कि आप जैसे ही उस बोर्ड मीटिंग रूम से बाहर आते हो आप इमीडिएटली आपके दोस्त को फ़ोन करते हो और वहाँ पर जो भी हुआ है वो सारी बातें उसके साथ शेयर करते हो। तो दोस्तों, इस एग्जांपल में आपने जो किया है वहाँ आपने आपकी इंटीग्रिटी को लॉस किया है, आपने आपकी इंटीग्रिटी गंवाई है। और ये इंटीग्रिटी आप भले ही आपने आपकी लाइफ में कितना भी सक्सेस हासिल किया हो, उस सक्सेस से आपको नीचे गिराएगी। तो जो भी बड़े लोग होते हैं, जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो भी ग्रेट लोग होते हैं, उनके लाइफ में जो रीज़न से उनको फेल्यूर आता है वो रीज़न बड़ा नहीं होता है, तो हमेशा उन्हें छोटे रीज़न के वजह से ही फेल्यूर आता है। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है अफ्रीकन एलिफेंट का। अफ्रीकन एलिफेंट से जंगल के सभी प्राणी डरते हैं, हालांकि शेर भी उसके पास नहीं जाता,
लॉयन भी उससे डरता है, बट उस अफ्रीकन एलिफेंट को एक छोटा सा बैक्टीरिया मार देता है, ऐसा बैक्टीरिया जिसको हम आंखों से देख भी नहीं सकते। तो ऐसा ही होता है, अगर आप भले ही किसी भी सक्सेस की स्टेज पर हो, वहाँ अगर आप में इंटीग्रिटी नहीं है तो आपकी जो हालत है उस अफ्रीकन एलिफेंट जैसी ही होगी। सो टू बी एन प्रोफेशनल, ये तीनों चीज़ें आप में होनी चाहिए। आप विदाउट सुपरविजन, आपको काम करना आना चाहिए, आपको आपके काम के कंप्लीशन को सर्टिफाई करना आना चाहिए, और आप में इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए। बहुत बार जिंदगी हमारे सामने ऐसे ऑप्शन रखती है कि जहाँ पर आपके लिए कन्वीनियंट है उसे चुन लो, कोई भी आपको नहीं देख रहा है, ऐसे ऑप्शन आपके सामने होते हैं। और उस सिचुएशन में अगर आप कन्वीनियंट की बजाय सही जो है उसे चुनते हो, तो आप आपकी इंटीग्रिटी को बचाते हो। और अगर ऐसा आप करते हो तो किसी भी स्टेज में आपको फेलियर नहीं मिलेगा। सक्सेस का रास्ता मुश्किलों से भरा होता है ऐसा कहा जाता है, पर दोस्तों मुश्किलें बुरी नहीं होती है। इमेजिन कि आपने कोई जिम ज्वाइन की है और आपको आपके मसल्स डेवलप करने हैं, और जिम में अगर आपको हर्डल्स ना आए तो आपके मसल्स डेवलप नहीं होंगे। और मुश्किलें हमें पसंद है, इसीलिए तो हम जिम में जाते हैं, हमारे मसल्स डेवलप करते हैं और मुश्किलें वहाँ पर हम फेस करते हैं। तो यही चीज़ हमारे लाइफ में भी होती है। तो जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इन्हीं मुश्किलों के रास्ते से ही सक्सेसफुल बने हैं। तो आपको आपके लाइफ में अगर प्रोफेशनल बनना है, तो सबसे पहले आज अपने आप से एक सवाल पूछो, एम आई प्रोफेशनल? और अगर ऑनेस्टली इसका जवाब आता है नहीं, सो बी प्रोफेशनल। कोई भी बन सकता है, किसी भी रोल में आप प्रोफेशनल बन सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर शेयर करना।